बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके हमारे वीडियो के अंदर आपको गोश्त नजर आ रहा है, कुछ थर्मोकोल के बॉक्स नजर आ रहे हैं, थैलियां नजर आ रही हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि कुर्बानी 2023 में जो हम इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए, तो उसके जो तरीक़ेकार है, जो हम गोश्त किस तरीके से पहुँचाते हैं लोगों तक, और हम एक तरह से एक टेस्ट भी कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी हमने एक टेस्ट किया था ड्राई आइस के साथ, ये भी इस दफ़ा भी हमने ड्राई आइस के साथ हम कर रहे हैं टेस्ट। लास्ट ईयर जो हमने ड्राई आइस के साथ हमने यूज़ किया, तो उसमें हमें थोड़ा सा ये इशू हुआ था कि हमने जो ड्राई आइस डाल के थर्मोकोल के बॉक्स में हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था आगे, तो एक तरह से वो फ्रीज हो गया था गोश्त, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गया था। तो इस वजह से हम इस दफ़ा एक नया टेस्ट कर रहे हैं कि लोगों के जब हम गोश्त पहुँचाएँ तो इतना ज़्यादा फ्रीज ना हो, मतलब कम, मतलब ऐसा हो कि फ़ौरन पका लें उस गोश्त को लेके, उनको एक डी फ्रीज ना करना पड़े, उनको वेट ना करना पड़े गोश्त के लिए। तो आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ किस तरीके से गोश्त की पैकिंग करेंगे और किस तरीके से हम आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। तो आपको पहले मैं तरीक़ेकार दिखाता हूँ। ये हमने शॉपर लिया है, पहले मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ ताकि गोश्त, पीछे आप देख रहे हैं थर्माकोल के बॉक्स भी आ गए हैं, चटाइयाँ भी आ गई हैं, क्योंकि कुछ ही दिन अब रह गए हैं कुर्बानी के अंदर। और यह है कि हमें अच्छे तरीके से लोगों तक गोश्त पहुँचाना है, ताकि गर्मी भी बहुत है, अभी हम खड़े हैं काफ़ी गर्मी में लग रही है। तो अभी गोश्त मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस तरह से शॉपर्स के अंदर गोश्त डालेंगे और उसका केजी भी करेंगे, उस हिसाब से फिर हम ड्राइस भी डालेंगे। खलील भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कुर्बानी के हवाले से खलील भाई इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं, बाकी हम खलील भाई से भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये सिस्टम को मैं आपको दिखाएं कि हम किस तरीके से लोगों को गोश्त पहुँचाएंगे, और इसका वेट भी हम कर लेते हैं। चार केजी हुई होगी, छह के जी करते हैं। सो अच्छा, ये ड्राइस मैं आपको दिखा दूं, ये एक बॉक्स में छोटे से बॉक्स में ड्राइस है, ये करंश ड्राइस है, और ये मतलब मेल्ट नहीं होगी, ये मतलब ऑक्सीजन वाली होगी। इसका तकरीबन 80 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, ये ड्राइस है। तो ये हमने इस तरह से 6 केजी गोश्त हमने इसमें डाला है, हमने वेट भी कर लिया। अब ये एक तरह से टाइट क्लिप्स लगा लेते हैं, लगा दिए इसके अंदर, ऑयल फिल होने के बाद 6 केजी इसका वजन। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हमने गोश्त ऐसे ही रख दिया था और उसके ऊपर ड्राइस डाल के और हमने पैक करके हमने आगे मतलब अपनी जो भी हमारी चिल्लस जा रही है उसमें हमने रख दिया था, तो उससे मतलब काफ़ी फ्रीज हो गया था। तो इस दफ़ा हमने एक नया टेस्ट कर रहे हैं कि ड्राइस डालने से पहले हमने ये शीटें काटी हैं, ये शीट काटी है, शीट में सुराख की हैं, ताकि पहले हम ड्राइस डाल देंगे कुछ, ये तकरीबन 2 केजी के करीब ड्राइस है। ये हमने ड्राइस डाल दी नीचे, और ये हमने थर्मोकोल की शीट इसमें डाल दी, ठीक है। और ये -80 होता है इसका टेम्परेचर ना, ये हमने गोश्त रख दिया, फिर एक शीट हम ऊपर रखेंगे इसके थर्मोकोल की, ये हमने शीट रखी इसके ऊपर, फिर हम ड्राइस डालेंगे। मतलब कम क्वांटिटी में गोश्त हम डाल रहे, इसमें तकरीबन इस बॉक्स में 30 केजी की जरूरत गोश्त आ सकता है, 30 केजी गलेगा, 30 केजी। हाँ, अभी तो हम ये 6 किलो का ड्राई करके दिखा रहे हैं, अब ये पैक हो जाएगा, बॉक्स पैक इस तरह से पूरा ये बॉक्स पैक होगा, इससे हम टेप लगा देंगे, सेटिंग कर देंगे, एयर निकलने वाला मामला जो है, ताकि किसी तरीके से इसकी जो एयर है वो फील हो। चलिए भाई ना करिएगा, ये
जैसा कि पूरा एक पैकेट बन गया गोश्त का, आपको पूरी मैंने इसकी पैकिंग दिखाई कि इस तरीके से हमारी पैकिंग होगी गोश्त की, और इस तरीके से आगे ये जो गोश्त के बॉक्स जो बन के जाएंगे वो भी हमारी एक तरह की फ्रीजर गाड़ियाँ होंगी वो जो आप देखते हैं, तो उस फ्रीजर गाड़ी में रख के उसमें हम मुख्तलिफ मतलब इंटरेस्टिंग जाएंगे। यहाँ से अगर हम मिसाल अगर कराची में हम कुर्बानी कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसे इलाकों में जाना जिसमें 2 से 2.5 घंटे लगेंगे एक अच्छी आबादी, तो इस तरह से पूरा हम पैक करके लेके जाएंगे ताकि वो वहाँ तक जाने में, अभी शदीद गर्मी है और लाइटों का भी आपको पता है किस तरह से सिस्टम चल रहा है, लाइटें भी बहुत जा रही हैं, और इस तरह से पूरा पैक करके वहाँ पर लेके जाएंगे, वहाँ से हम खोल के लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गोश्त। और बाकी इस पूरे ऑपरेशन के बारे में हमारे साथ खलील भाई हैं, खलील भाई आपको बहुत सारी चीज़ें आपको भी गाइड करेंगे और मैं भी आपको बताता रहूँगा बचपन के कि हम किस तरीके से कुर्बानी करते जाएंगे और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो खलील भाई आप बताएं, आप इस पूरे प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं कुर्बानी के हवाले से और क्या क्या तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई है, किस तरह से और लोगों जो लोग हमारे को देख रहे हैं उनको गोश्त चाहिए वो कैसे ले सकते हैं और क्या तरीके का है सारा आप बताएं, और हमारे साथ जो गोश्त इस समय कुर्बानी में हिस्सा लेना चाह रहे हैं वो भी तरीका आप बता दें। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम ही साथियों को जो इसके ऊपर मौजूद होंगे जो मुझे देख रहे होंगे उन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और ख़ासतौर पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इस माह मुबारक की कि ये ज़िलहज्जा का महीना है। हमारे पाकिस्तान बहुत सारे मुसलमान जो है वो हज मुबारक अदा करने के लिए गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका वहाँ जाना वहाँ पर रहना अपनी बारगाह में कबूल मकबूल करना है और तौफीक भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको भी खाना काबा आने की वहाँ पे तवाफ करने की रोजा मुबारक की ज्यारत करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक इनायत करना है। ये सब कुछ है क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वो सारे के सारे वाकयात हैं जो हमने कुरान की फुरक़ान मजीद में सुने होंगे पढ़े होंगे, तो ये उसी चीज की एक यादगार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सारी चीजें इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईद का तोहफा भी हमें मुसलमानों को अता फरमा दिया और लाजिम करार दे दिया, यानी हमारे जो जिम्मेदारियां हैं हमारे पर जो लाजिम है तो मुसलमान की हिस्से से वो हाजिर अदा करना हमारे लिए लाजिम है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे लिए कुर्बानी को भी करना हमारे लिए फर्ज अदा कर दिया कि जिसके पास माली हिस्से है ऐसी कि वो माली तौर पर मुस्तहकम है, अल्लाह ताला ने उसको अदा इतना दिया है कि वो कुर्बानी कर सकता है तो वो आए और कुर्बानी करे, अल्लाह की याद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करे, इस्माईल अलैहिस्सलाम को याद करे। सोचे ये सोचने का मुकाम है कि गर्दन पे छुरी फिर रही थी अगर इस्माईल अलैहिस्सलाम की, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस छुरी को फिरने देता तो क्या आज हम अपने औलादों के ऊपर छुरी फिर देते। ये है असर वाकया कि छुरी का वाकया जो है कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने औलाद में छुरी फिर रहे थे लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद की जगह पर जाने भेज दिया कि भाई इसमें कुर्बानी कर लो और मुसलमान को आसान कर दिया कि कुर्बानी करना है, अब सिर्फ क्या करना है अपने जेब खास से माल निकालना है। यकीनन कराची के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो कुर्बानी करती है, इसमें कोई शौक शुबे की गुंजाइश नहीं, मगर ये भी मानना पड़ेगा इसी कराची में बहुत सारे वो लोग हैं जो मुस्तहकीन कहलाते हैं जो मानते हैं बगैर कराची के अलावा दूसरे दूसरी जगह से भी लोग लेने के लिए आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो सिलसिले में जो काम कर रहा है वो कराची में कोठी में सिंध की सतह पर, फिर इसके बाद जहाँ 3 महल पर और 5 पतरी शरीफ के अंदर ये पंजाब में हमारा काम कर रहा है। हम इस काम को बढ़ाना चाहते हैं फैलाना चाहते हैं, इसीलिए अगर आप अगर देखें तो शायद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में शायद ये सबसे सस्ती कुर्बानी है जिसका हमने पैकेज दिया था सिर्फ 16,000 रुपए एक हिस्से के, यानी 16,000 रुपए मामूली सी रकम है जिसके अंदर आप अपनी कुर्बानी का हिस्सा डालकर शामिल हो सकते हैं। मैं आपसे दरखास्त नहीं कर रहा कि आप इसमें शामिल हो जाए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बड़ी तादाद इसमें जॉब करते हुए आ रही है और हमारे साथ शामिल हो रही है। सारा प्रोसेस मुनीब भाई बता चुके हैं कि हम इसको किस तरीके से ले आते हैं किस तरीके से बनाते हैं, अब असल में आगे बताने का मकसद ये है कि कराची में वो तबका भी है जो दरवाजों पे जाके नाव से मांगता है और नाव का दरवाजा खटखटा के इस तक पहुंचाता है, तो इस सिलसिले में हमारे कुछ सर्वियर आजाद है जिन्होंने पहले भी इसके ऊपर वर्किंग की है, पिछले साल भी लोगों के अंदर दी है, हमने उनका डेटा जमा रखा है, इसके अलावा हम मजीद डेटा जमा कर रहे हैं, हम घरों पर जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं, फिर इसके बाद हम उनको टोकन लेकर आ जाते हैं, इस टोकन का मकसद ये होगा कि आप कुर्बानी के गोश्त के हकदार हो गए, फिर हम उनको उस मुकाम पर बुलाते हैं औरंगी में, यानी औरंगी के मुकाम हम तजवीज कर लेते हैं, वहां पर गाड़ी हमारी जाती है और वहां पर हम पैकिंग के अंदर बड़ी इज्जत के साथ वकार के साथ प्यार के साथ हम उनको वहां जमा करके उनके टोकन लेते जाते हैं उनको घोल देते जाते हैं। ये बड़ा एक सिंपल प्रोसेस है और असल मसला ये है इतनी सारी मेहनत करने का, ये बर्फ के अंदर रखने का, ये ठंडा करने का, फ्रिज करने का, फिर इधर गाड़ियां मंगवाने का, इसका कोई पैसा हम इसका बर्डर कुर्बानी करने वाले पर नहीं डालते,
ये सारा का सारा इस तंजीम की तरफ से है, यहाँ पे टेस्ट की तरफ से जो सारा इंतजाम वो खुद करती है, इसके खतराजात भी खुद बर्दाश्त करती है। इसकी वजह यह है कि आम आदमी के ऊपर हमने वोट डालना चाहते। आपका जो 16,000 रुपए है आपने अल्लाह की राह में दिए, आपने तकलीफ की नजर से दिए, हमने उसको उसी तरीके से कोशिश देखे आपका काम क्या है, आप कुर्बानी करना चाहते हैं, एक साथ ये चाहते हैं कि हमारा देश गरीबों तक पहुंचे। अब हम इसके होंगे जिम्मेदार, अब उस जिम्मेदारी को हमने अदा करना ऐसे तरीके से, उस ऐसे तरीके से करने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं कि बोझ खराब ना होने पाए, बोझ हमारे हाथों से निकलकर जब सामने वाले के हाथ में जाए तो बिल्कुल सही हालत में हो। और इंशाल्लाह जी आपका पैसा रायगा नहीं जाएगा। अच्छा, इस रायगा जाने का मतलब हरगिज़ में ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ आ जाएं कुर्बानी में हिस्सा लेने। भाई कुर्बानी में हिस्सा लेने वाले बहुत हैं, आएंगे जो भी दर्जे को आ रहे हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। हाँ, दरख्वास्त जरूर है आपसे, एक दरख्वास्त ये होती है कि अगर आप कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहते वेलकम। 16,000 रुपए का हमारा एक हिस्सा है और 28,000 रुपए का हमने बकरे की कुर्बानी का हमने मामला रखा। दूसरी सिर्फ इसके अलावा जो है वो आसान सी है, वो ये है कि ये आपके पास माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके अंदर मोबाइल है, इसमें बहुत सारे मामलात हैं, आप इसके जरिए अपने अजीज कारी दोस्त अहबाब मिलने जुलने वाले जानने वालों तक ये बात पहुंचाएं कि ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ये एक इस अंदाज में काम कर रही है, हमारी वीडियो तक पहुंचेगी, उनमें से कुछ लोग अगर इसमें शामिल होंगे तो मैं ये बात यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इन अमल अमाल बुनियाद अमल का दारो मैदान नियत है। अगर आपने मेरी के अमल से दावत दी है तो उसमें ऑटोमेटिकली आप भी शामिल हो गया, मैं भी शामिल हो गया। मेरा मकसद भी इस नेकी को आगे पहुंचाना है और अगर आप मेरे साथ शामिल हो गए तो आपका मकसद भी इस नेकी को आगे पहुंचाना है। अल्लाह ताला मेरे कहने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल हो, भी फरमाए, जो बात हक है वो सबको आगे पहुंचाना है, अब आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी खलील भाई ने काफी बड़ी मतलब डिटेल्स में आपसे एक तरह से अपील भी कर ली है, आपको सारा हमारा सिस्टम भी बता दिया। मैं आपको थोड़ा और चीजें बताना चाह रहा हूँ। हम कराची के अंदर काफी पॉइंट्स लगाते हैं जो ऐसे आबादियां जैसे औरंगी टाउन हो गया, लांडी, औरंगी, बल्दिया और हमारे सिविल हॉस्पिटल की साइड पे एक हमारा पॉइंट है जो गरीब नवाज दफ्तर खान का, वहाँ पे लंगर भी चलता है, तो वहाँ भी हमारे पॉइंट्स, मतलब कराची में हमारे काफी तादाद में पॉइंट्स लगते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम मतलब एक तरह से औरंगी आपको मैं काउंट करा दिया मैंने, लांडी, औरंगी, याकताबाद हो गया, अब सिविल हॉस्पिटल हो गया, और मुख्य मतलब 15 से 20 लोकेशन हमने सेलेक्ट करी हुई है, तो वहाँ पे हम पॉइंट्स लगाते हैं, वहाँ पे जितनी भी अच्छी आबादियाँ जो भी एरिया ऐसे हैं और जिधर भी फैमिलीज हैं वहाँ हम टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ हम लोकेशन बता देते हैं कि भाई फैमिलीज यहाँ आके गोश्त रिसीव कर सकते हैं, भाई इसी तरीके से अपना टोकन दिखाएं और वो अपने गोश्त के पैकेट्स हम उनको देना शुरू कर देते हैं। और अभी जो हमने पैकेट्स का जो हमने इंतजाम आपको पूरा दिखाया, 5 kg तक का हमने पैकेट्स हमने किया कि एक फैमिली को 5 kg कम से कम गाय का गोश्त जरूर देंगे, बकरा तकरीबन 3 kg जरूर देंगे ताकि फैमिली आराम से पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते। महंगाई का बड़ा अभी आपको बता जोर है कि इसमें बड़ा मुश्किल हो गया है कि लोगों के लिए गोश्त खरीदना, ये कुर्बानी का मौका है, हर घर में मतलब गोश्त पकता है तो उनका भी हक है कि गरीब और मुस्तहक लोगों के घरों में भी गोश्त पके और हमारा काम उन तक पहुँचाना। ये कराची के बाद हमारी दूसरी साइड है जो कोटरी, वो कोटरी में भी हमारी कुर्बानी होगी, कोटरी मतलब इंटीरियर सिंह से करीब है बिल्कुल, वो वहाँ के जितने भी इलाके कोटरी को कवर करेगा, पंजाब साइड पे पाकपतन और पीर महल, ये सब में यही तरीके कार होंगे, हमारे कैंप्स लगेंगे, लोकेशन हम बता देंगे, ऐलानात कर देते हैं कि लोग यहाँ से आके गोश्त ले लें, तो वो लोकेशन उनको पता चले जी भाई इसी तरीके इस तरह से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर हम आप लोगों से ताउन से हम ये कहेंगे एक तरह से कि आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू, आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं हमारे इसको, आगे शेयर करके लोगों को ये पैगाम पहुँचा सकते हैं, इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी एक तरह से आपका ताउन हो जाएगा। हमारे जो फेसबुक पे लोग देखने वाले हैं वो हमें इस तरीके से मतलब हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें स्टार दे सकते हैं, इस तरह से वो भी हमें सपोर्ट मिलेगी। आप लोगों की सपोर्ट की बड़ी जरूरत है, आप हमारे इस चैनल को हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैगाम मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कनेक्ट हो सकें और वो लोग भी जो जिनको गोश्त की जरूरत है उन तक भी पैगाम मिल जाएगा, पहुंच जाएगा कि हम लोग कहाँ पे पॉइंट्स लगा रहे हैं, क्या है, कैसे टोकन मिलेगा, वो आगे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके पास मौजूद है, आपके यूट्यूब चैनल हमारे मौजूद है, फेसबुक है और दीगर मतलब हमारे चीज़ों के हमारे मतलब वेबसाइट पर हमारे मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिनको गोश्त चाहिए वो भी रब्ता कर सकते हैं, जिनको इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेना है वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। दिखाने का मकसद यही है आप लोग सब हमारे साथ ताउन करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब गोश्त पहुँचा सकें और ये हमारे दस्तर खान पर भी ये गोश्त मतलब इन्हीं कुर्बानी का जो गोश्त है हम पका के खिलाएंगे, मतलब बारबेक्यू आइटम्स हो गया, दूसरी ऐसी चीज़ें हो गई जो लोग नहीं खा पाते, नहीं बना पाते, तो वो भी हम पका के लोगों को यहाँ खिलाएंगे भी और पार्सल भी देंगे। तो अब कुछ ही दिन रह गए हैं, आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे इस समय कुर्बानी के अंदर हिस्सा लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। शुक्रिया।